हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आए हो अच्छे होंगे। चलिए आज फिर आपके लिए बॉलीवुड की कुछ और इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर आई हूँ। आई होप आपको पसंद आए। मुझे शाहरुख खान से ज़्यादा मिली थी फीस, 30 साल बाद फराह खान ने खोला राज, बताया डर गई थी। बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और कोरियोग्राफ फराह खान शाहरुख खान संग बेहद खास रिश्ता रखती हैं। वह खान फैमिली के काफ़ी करीब भी हैं। दोनों ने कई फिल्में साथ में की हैं। इसके साथ ही दोनों के अपने अपने किस्से भी हैं। अक्सर दोनों एक दूसरे की तारीफें करते हुए मीडिया के सामने कुछ ऐसा कह जाते हैं कि जिसे जानने के बाद उनके चाहने वाले हैरान रह जाते हैं। कुछ ऐसा ही एक बार फिर से फराह खान ने अपने दोस्त सुपरस्टार शाहरुख खान को लेकर कहा है। फराह खान ने अपने हालिया इंटरव्यू में 30 साल पुराने एक राज से पर्दा उठाया जिसके बारे में बेहद कम लोग जानते हैं। शाहरुख खान की हिट फिल्म कभी हाँ कभी ना आपको याद है? इस फिल्म में शाहरुख की जोड़ी एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति संग बनी थी। इस फिल्म का कुंदन शाह ने बनाया था। फिल्म के साथ ही साथ इसके गाने भी काफ़ी फेमस हुए थे। फिल्म का गाना ए काश के हम, सच्ची ये कहानी है, दीवाना दिल दीवाना आज भी दर्शकों को काफ़ी पसंद है। यह फिल्म साल 1994 में रिलीज हुई थी। अब इसके रिलीज के 30 साल बाद फिल्म की कोरियोग्राफ रही फराह खान ने एक शॉकिंग खुलासा किया है। कोरियोग्राफर, फिल्म निर्माता फराह खान शाहरुख खान के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद करते हुए बहुत सारी चटपटी बातों का खुलासा भी किया है। उन्होंने बातचीत में बताया कि वह शाहरुख खान देखते ही समझ गई थी कि उनकी और शाहरुख के बीच बेहद अच्छी बॉन्डिंग बन जाएगी। वे दोनों जल्दी एक दूसरे के साथ घुल मिल भी जाएंगे। फराह खान ने याद किया कि दोनों पहली बार फिल्म कभी हाँ कभी ना के सेट पर मिले थे। उन दिनों शाहरुख खान फिल्मों में नए थे और उनके पास पैसे थे, इसलिए वे फराह के सहायक के रूप में काम करते थे। फराह ने कहा कि उन्होंने वास्तव में फिल्म में शाहरुख से अधिक पैसा कमाया था। शाहरुख के साथ दशकों पुरानी दोस्ती के बारे में पूछे जाने पर फराह ने कहा, हमने 1991 में शूटिंग शुरू की थी और मैं भी नई थी और हम गोवा में थे और मैंने शाहरुख का एक इंटरव्यू पढ़ा था जिसमें बहुत ही अकड़ू और घमंडी लग रहे थे। मैं बहुत डर गई थी। मुझे याद है कि जब हम पहली बार मिले थे तो उन्होंने क्या पहना था और क्या कर रहे थे। डायरेक्टर कुंदन शाह ने हमारा परिचय कराया था। कभी कभी आप तुरंत किसी से घुल मिल जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप स्कूल के दोस्त हैं। शाहरुख के साथ भी ऐसा ही था। हमारी रुचियां एक जैसी थी, हमने एक जैसी किताबें पढ़ी थी, हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर भी एक जैसा था। फराह ने बताया कि शाहरुख ने गरीब की शूटिंग के दौरान उनकी काफ़ी मदद भी की थी। उन्होंने आगे कहा कि बजट बहुत कम था। शाहरुख को उस फिल्म के लिए 25,000 रुपये दिए गए थे। मैं आपको बता दूं कि उस फिल्म में मुझे सबसे ज़्यादा पैसे मिले थे। मुझे हर गाने के लिए 5,000 रुपये दिए गए थे और उसमें 6 गाने थे, बस इसी वजह से मुझे 30,000 रुपये दिए गए थे। हम एक असिस्टेंट भी नहीं रख सकते थे, इसलिए आना मेरे प्यार को के पूरे गाने के लिए हमने गोवा से ऐसे लोगों को कास्ट किया। फराह ने कहा कि चूंकि एक्स्ट्रास को यहाँ नहीं पता था कि संकेत कैसा लेना या निशान कैसा मारना है, इसलिए शाहरुख की बारी बारी से उन्हें चुटकी बजाते थे ताकि वे गाने में दीवार के पीछे से उठ सके। फराह ने शाहरुख को 3 फिल्मों में निर्देशित भी किया है, मैं हूं ना, ओम शांति ओम और हैप्पी न्यू ईयर। 2000 के दशक के अंत और 2010 के दशक की शुरुआत में कई सालों तक वे एक दूसरे से बात नहीं करते थे, लेकिन बाद में उनके बीच सुलह हो गई। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।